विदिशा जिले के पठारी में आयोजित किया गया कैरियर मेला, बच्चों को सिखाए गए कैरियर बनाने के गुर। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के पठारी नगर के शासकीय बालक एवं कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कैरियर मेले का अलग अलग आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्रीय विधायक हरि सिंह सप्रे, पुरवाई SDM अंजलि साह, जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि हरिनेश यादव, जनपद CEO पंकज जैन, सरपंच प्रतिनिधि अखिलेश पंथी, SBI शाखा प्रबंधक संजय सोनी, प्राचार्य गौरी गोस्वामी, प्रकाश नारायण इछारिया ने मां भारती की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कुरबाई के SDM अंजलि साह ने बेहतर करियर बनाने के लिए गुणधर्म और सूत्रों को बताते हुए कहा कि बेहतर करियर की आधारशिला बेहतर शिक्षा, आत्मनिर्णय, आत्मबल, दृढ़ संकल्प, शिक्षा के लिए पूर्ण ईमानदारी से समर्पित समय और गुरुओं पर विश्वास है, जिन्होंने समय की महत्ता और उपयोगिता बताई। विधायक हरि सिंह सप्रे ने आसानी से सफलता अर्जित करने का हुनर बताते हुए कहा कि पारंपरिक और डिजिटल शिक्षा के बेहतर तालमेल से पढ़ाई करना चाहिए, मोबाइल का सदुपयोग करना चाहिए, वहीं बच्चों को हमेशा माता पिता, गुरुजनों, परिजनों के विश्वास पर खरा उतरना चाहिए, तभी सही सफलता अर्जित होगी, जिससे आपका भविष्य निर्धारित होगा। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक जगदीश श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। इस दौरान सीताराम सैनी, राकेश सिंघई, राजेश रिछारिया, अरुण सहेले, बलराम सिंह यादव, अमित सहेले, संजय चौहान, सर्वेश जैन सहित नगर के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, शिक्षक और काफी संख्या में छात्र उपस्थित रहे। विदिशा से आशीष सहेले की रिपोर्ट, देखते रहें द खबरदार न्यूज। लोकप्रिय जनप्रतिनिधि महोदय, विधायक महोदय, हमारे सरपंच महोदय, उप सरपंच महोदय, हमारे जनपद उपाध्यक्ष एवं जो भी गणमान्य अतिथि गण, पत्रकार महोदय, सभी यहाँ आए हैं। आप सभी का हृदय से धन्यवाद, आभार कि आप लोग हमारे यहाँ आए हैं, आपका मैं स्वागत करती हूँ। और हमारे बच्चों का आज जो कार्यक्रम है, इसमें हमें शिक्षा विभाग की तरफ से ही ये मार्गदर्शन दिया गया है कि आज बच्चों के करियर के संबंध में गाइडेंस देना है, उनको जो है मार्गदर्शन करना है कि वो भविष्य में क्या बनेंगे। इसके लिए हमने कई विषय विशेषज्ञों को भी बुलाया है, जैसे बैंकिंग के क्षेत्र में किस प्रकार से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए जो है ये श्री संजय कुमार सोनी जी आए हैं, जो SBI के मैनेजर हैं पठारी के। उस तरह से जो है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में फार्मिंग और जो ऑर्गेनिक खेती है, उस विषय में बोलने के लिए हमारे यादव साहब आए हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हम किस प्रकार से कैरियर बना सकते हैं, उस विषय में बोलने के लिए हमारे जो बजाय करियर के बारे में आज, जैसा कि मैं सुबह भी गई थी कुरवाई के उत्कृष्ट स्कूल में, और यहाँ भी आज मुझे मौका मिला है कि आप उनसे बात करो। मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, जो मेरी तैयारी के दौरान मुझे क्या क्या लगा कि क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप लोग से एक ही बात कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस आप लोग मेनटेन करिए, बहुत ज़रूरी है कि हम में अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हम आगे की परीक्षा पहले से ही हार जाएंगे। आप लोग के विषय 9th, 10th, 11th, 12th, 9th क्लास से आपका जो एक इंटरेस्ट रहता है, कहाँ मजबूत है, कहाँ कमजोर है, यहाँ आपको 8वीं के बाद से आपको डिसाइड आपको खुद लगने लगता है कि मैं मैथ्स में कमजोर हूँ या अच्छा हूँ, या साइंस में अच्छा हूँ, या आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो बेस रहता है वह 7th, 8th, 9th से हमारा बनना शुरू हो जाता है। मतलब आपका ये रास्ता तय हो जाता है कि हम लोग किस विषय में अपनी पकड़ और मजबूत बनानी है। करियर से इंटेंशन ये नहीं है कि हमको सिर्फ पढ़ाई पर ही जो हमारा इंटरेस्ट, मतलब पढ़ाई को ही फोकस करना है, वो ज़रूरी नहीं है। कई लोग स्पोर्ट्स में भी अपना जगह बनाते हैं, कई लोग होटल मैनेजमेंट, जो भी मैं पढ़ रही थी कि होटल मैनेजमेंट भी कई अपना करियर बनाते हैं, कई लोग CA का भी करते हैं कि हमको कॉमर्स लेके CA का एग्ज़ाम कंडक्ट करना है या एग्ज़ाम कम्प्लीट करना है, कई लोग सिविल सर्विसेज में जाते हैं। कुल मिला के ये कहना है कि आप लोगों का जो इंटरेस्ट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे आपका विज्ञान के क्षेत्र में अगर आपको जाना है, तो ये आपको जो एक जो कहेंगे कि आपकी जो स्थिति, जो गलत विकल्प चुनने वाला जो समय रहता है, वो ये रहता है 9वीं 10वीं 11वीं, क्योंकि 11वीं में शायद आप सब्जेक्ट का चयन कर लेते हो।
तो ये 3 साल जो रहते हैं, जो आपको आपको फोकस करना है, जो आपका दिमाग बोल रहा है, जो आपका इंटरेस्ट बोल रहा है, वो करिए आप लोग। ये नहीं करना कि हमारा पड़ोसी वो फलाने जॉब में चला गया लेकिन हमारा इंटरेस्ट नहीं, हमारे पिताजी ने कहा यार वो ही करना जो तो उसने किया, ये नहीं करना। आप जिस विषय में बहुत अच्छे हो आपको उसी में आगे बढ़ना है। आप गलत चयन कर लोगे विषय का, आप नहीं फलो जॉब में आपका करियर बनाने के लिए। और बहुत जरूरी है आपकी संगति, बहुत जरूरी है आपकी संगति कि आपका सर्कल कैसा है पढ़ाई का, आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं। अगर पढ़ने वाला ग्रुप रहेगा आपका लगातार पढ़ाई करने वाला, तो आप निश्चित तौर पर आप सही जगह चले जाओगे। वो जो आपके साथ के साथ वाले जो रहते हैं वो आपको सही मार्गदर्शन भी देंगे, आपको मदद करेंगे कि कौन सा विषय चयन करना है आपको। इस कार्यक्रम में पधारी हमारी सब जूनियर मजिस्ट्रेट यज्ञ मैडम, हमारे मंडल अध्यक्ष अग्निश यादव जी, हमारे वरिष्ठ नेता हमें सही लेंगे, अब सबके नाम लेंगे थोड़ी देर हो जाएगी इस कार्यक्रम को। कैरियर के मामले में मेडम ने बहुत अच्छी तरीके से 8-10 कुछ तर्क रखे। देखो विद्या शिक्षा ऐसा फल है कि इसको घर पर नहीं जा सकता, हर चीज बढ़ जाती है कि माटी ले जाती है। पहली बात तो आप लोगों को एक सलाह दूंगा कि जो मेरे पास चला दूंगा आप लोग चला दो ना, हम भी चला हम जो चला जो अच्छी अच्छी चीजें होता तो हम अपनी मोबाइल अच्छी चीज भी है और मोबाइल कछु कछु के और बैठे हैं जो बात नहीं करें बनने लगे जरूरी है इसका फर्क उनके प्यासी घटी है जैसे तो चला सकते दो दो घंटा भी खोल मिल जाऊंगा चला। तो उसमें से अच्छी चीजें छाट के जो संवेदन करे यूट्यूब पे, देखो कोई भी खेल हो शिक्षा हो कॉम्पिटिशन हो सर्विस को दिल खोल के डर कभी नहीं लगा पप्पा होंगे तो नहीं चल दिल खोल के दिमाग खोल के जब आप लोगों की बेटा हो चाहे बेटी वो फाउंडेशन बनते हैं नया खुदवा है मकान की वो नमी से ही आपका फाउंडेशन स्टार्ट होता नमी से फाउंडेशन स्टार्ट होता है। जिस प्रकार से अपन बिल्डिंग होता आप किस शरीर की मजबूती अपनी पढ़ाई नहीं दे सकते उस हिसाब से आपको जब पेपर आ रहा है सब फरवर मार देंगे तो अपन से डर लगे अरे भाई पढ़ो ना चलते चलते घर तक पढ़ो डर क्यों करो और फेस करना ही है एकदम फेस करना है पहले तो डर भी क्यों कर रहा पढ़ के करो डर करी पढ़ के करो और एक खुशी और लाया उन्हें आपको साथ में बिन बुला रहे माने हम बुला रहे कोई ये बार हमने सुनी कि ऐसे कार्यक्रम हो रहा है तो आप लोगों को पटारी के लागे एक खाने की व्यवस्था खोल देने को और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जगह आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोल देने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा बोल दो परसों बातचीत करे बोल तो हो जाएगा तो ये मान लो कि अगले सत्र में आपको कॉलेज की सौगात निश्चित तौर पर आपको मिल जाएगी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिल जाएंगे। केवल कैसे भी पिछले कार्यकाल में पटारी पहुंचने बन भाई कन्या हाई स्कूल भी कर पा रहे अब जो जिम लगो है जो भी हम नहीं लगवा जा सको नहीं जा जिम पर जा सको नहीं भाई क्या पर मैं बहुत शौक में मूल का पहलवान पहली बात बता रही थी क्या बात है
शिक्षा।